उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ हिंदुओं के सबसे मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है, लेकिन जून 2013 में यहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसा कहर मचाया, इतनी खतरनाक बाढ़ यहाँ आई कि हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई बाढ़ ने हजारों घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद, चमत्कार कहे या कोइंसिडेंस, उस दिन केदारनाथ का ये मंदिर उस विनाशकारी बाढ़ से बच गया। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ एक पत्थर एक मंदिर को विनाशकारी बाढ़ से बचा सकता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम इस मंदिर के निर्माण और रचना से जुड़ी अनोखी बातें जानेंगे। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसके बारे में कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस मंदिर को बनाया किसने था। बल्कि इससे भी जरूरी और सोचने वाली बात ये है कि इस मंदिर का निर्माण किया कैसे था। इस मंदिर के आसपास की भौगोलिक रचना पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि इस मंदिर के तीन तरफ से तीन विशालकाय पहाड़ मौजूद है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा करच कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। साथ ही इन पहाड़ों से निकलने वाली कई नदियां भी इस मंदिर के पास से ही होकर गुजरती है। आज भी इस मंदिर तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिवाय इस इलाके में मौसम भी काफी कठोर होता है, कभी ज्यादा बर्फ गिरती है तो कभी तेज बारिश। भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं तो यह अक्सर होती रहती है। ऐसे में ये सवाल तो मन में आता ही है कि आज से 1200 साल पहले इतना सुंदर और भव्य मंदिर कैसे बनाया होगा। 2013 में यहाँ आई बाढ़ में केदारनाथ के आसपास बसे कई गांव उध्वस्त हो गए थे। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हजारों घर पानी में बह गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस मंदिर के एक पत्थर को भी ये बाढ़ उखाड़ नहीं पाई। हालांकि इस मंदिर के सामने वाली दीवार को थोड़ा नुकसान हुआ है और इस दीवार में थोड़ा सा झुकाव भी आया है, लेकिन ये झुकाव इतना मामूली है कि सामान्य आंखों से देखने पर महसूस नहीं होता है। और मंदिर का ये नुकसान इस इलाके में हुए बाकी नुकसान के मुकाबले ना के बराबर है। सोचिए, आज से 1200 साल पहले बना मंदिर इतनी भयानक प्राकृतिक आपदा से भी सही सलामत बच गया, और ये तो आज की बात है। सैकड़ों साल पहले तो मौसम और भी खराब होते थे। वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब इस मंदिर के पत्थरों का अभ्यास किया तो उन्हें पता चला कि 14वीं सदी से लगभग 17वीं सदी तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ के अंदर ढका था। उसके बाद भी इस मंदिर ने कई खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाएं झेली है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेफ्टी टेस्टिंग में ये मंदिर आज भी पूरी तरह से पास होता है। मतलब ये मंदिर आज भी 100% मजबूत है। इसके पीछे कई सारी वजह है, जिसमें से सबसे बड़ी वजह है इस मंदिर की रचना। जहां दुनिया के ज्यादातर मंदिर पूरब या पश्चिम दिशा की ओर होते हैं, केदारनाथ के इस मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, और इस मंदिर को बनाने वाले लोगों के इसी निर्णय ने इस मंदिर को बचा लिया। क्योंकि 2013 में आई उस प्रलयकारी बाढ़ में कुछ ऐसा हुआ, इस मंदिर के पास एक ऐसा पत्थर आ पहुंचा जिसने इस मंदिर को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। हुआ यूं कि जब बाढ़ का पानी मलबे के साथ इस क्षेत्र में आया तो उस पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर बहता हुआ यहां आया और इस मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे मंदिर की दीवार पर तेजी से टकराने वाले पानी का दबाव कम हुआ और मंदिर के दोनों तरफ से पानी निकल गया। इस पत्थर का ठीक यहाँ आकर रुकना तो हैरान करने वाला था ही, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली एक और बात ये भी है कि ये पत्थर मंदिर से टकराया नहीं, बल्कि तेज बहाव में भी मंदिर से 10 से 12 फीट की दूरी पर रुका रहा। और इस पत्थर का आकार भी ठीक उतना ही था जितना इस मंदिर के पिछले हिस्से का है। मतलब अगर मंदिर की रचना दक्षिण मुखी न होकर अगर किसी और दिशा की तरफ होती तो शायद इस मंदिर का बच पाना मुमकिन नहीं था और 2013 में आई आपदा में ये मंदिर बर्बाद हो गया होता। इस मंदिर की मजबूती के पीछे एक और बड़ा कारण है इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर। कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और से इस जगह पर लाए गए थे, क्योंकि इस मंदिर के आसपास के इलाके में
ऐसे पत्थर मौजूद ही नहीं है। ये पत्थर खास इसीलिए है क्योंकि तापमान में होने वाले बदलाव का इन पर कोई भी असर नहीं होता। ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे ढका हुआ था, जिसके दौरान भी ये पत्थर सुरक्षित रहे थे। जरा सोच कर देखिए कि ये पत्थर जहाँ कहीं भी मौजूद थे, वहां से इन्हें मंदिर के निर्माण स्थल पर कैसे लाया होगा, और वो भी उस वक्त जब यातायात के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। हिंदू संरचनाओं से जुड़ी पहेलियां ही ऐसी है कि इनको सुलझाने का प्रयास करने पर हम आज के इंसानों का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो, चाहे सैकड़ों सालों तक बर्फ के नीचे ही क्यों ना रहना पड़े, इस मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। शायद ऐसा ही कुछ सोचकर प्रॉपर प्लानिंग करके इस मंदिर को बनाया गया था, और इस मंदिर के निर्माता अपने इस उद्देश्य में सफल भी रहे। रही बात उस पत्थर की, तो आपको क्या लगता है, वो कोई चमत्कार था या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।